कल दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में ओन टियर जेल आई ड्रॉप के बारे में, देखेंगे भाई ये कहाँ काम आती है, यूज क्या होते हैं, कितने दिन तक डालनी चाहिए, क्या क्या साइड इफेक्ट कर सकती है, संपूर्ण रिव्यू करेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे। देखिए ओन टियर जेल एक आई ड्रॉप आती है, यानी आंख में डालने की ड्रॉप आती है। इसको आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। आपको कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है। लगभग हर दवाई दुकान पर आसानी से मिल जाती है। बात करते हैं भाई ये क्या काम करती है, क्यों दी जाती है। तो देखिए इसके अंदर आता है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस 1% में। दोस्तों कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस एक आर्टिफिशियल लुब्रिकेट होता है, आर्टिफिशियल टीयर होता है, यानी आर्टिफिशियल आंसू, जिसको कुछ टाइम के लिए आंखों में डाला जाता है। ऐसा इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो नेचुरल लुब्रिकेट यानी नेचुरल जो टीयर होता है जो आंखें बनाती है कुदरती तरीके से, वो किसी कारणवश बंदा बंद हो जाए, कम बनने लगे, तो उसके कारण फिर आंखों को कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आंखों में ड्राइनेस आ सकता है, आंखें टाइट रह सकती है, आंखों में इरिटेशन बढ़ सकता है, खुजली चल सकती है, इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ सकते हैं, आंखें लाल रह सकती है। तो वहां पर फिर कुछ टाइम के लिए इन प्रॉब्लम्स को बचाने के लिए, आंखों को बचाने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस डाला जाता है। दोस्तों ये 0.5% में आता है, 1% में आता है। तो आंखों को लुब्रिकेट करने के लिए, ये मॉइस्चराइजिंग करने के लिए कुछ टाइम के लिए डॉक्टर दे सकते हैं डालने के लिए। बात करते हैं भाई काम किस तरह से करता है। तो देखिए जैसा मैंने कहा एक लुब्रिकेट होता है, जैसे कि लुब्रिकेट क्या करता है, लुब्रिकेट आंखों में नमी प्रदान करता है, मॉइस्चराइज करता है आंखों को, जिससे कि वो सूखी ना रहे, टाइट ना रहे। तो सीधा सा काम है, सीधे तरीके से काम करता है। जो नेचुरल जो लुब्रिकेट होता है उसी तरह से ये परफॉर्म करता है, लुब्रिकेट करता रहता है, टाइटनेस या ड्राई रिंग नहीं होने देता। बात करते हैं भाई डोज के बारे में, कितने दिन तक डाले, कितना डाले। तो वैसे तो अपने डॉक्टर के हिसाब से ही डालना चाहिए। अगर दिन की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म ही चलता है, 7 दिन 10 दिन तक चलता है, 15 दिन भी चल सकता है, और जितना आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उतना डाल लेना चाहिए आपको। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो वैसे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे जाते हैं, लेकिन हो सकता है डालने के बाद खुजली चलने लगे, जलन जैसा कुछ महसूस होने लगे, दुर्दा दिखने लगे, तो इसलिए ये हो सकते हैं बहुत ही कम चांस में। दोस्तों सावधानी इसकी यही है, कभी भी गाड़ी चलाते समय डोज नहीं डालनी चाहिए, दुर्दा दिख सकता है। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में भी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए, और इस आई ड्रॉप का कभी भी सेल्फ यूज आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं वीडियो में।